हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आज का राज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारा शिफ्ट अभी 7 से 3 चल रहा है, आज शनिवार है, कल रविवार है। हालांकि कल रविवार को मेरी छुट्टी रहती है, तो लोगों को बुलाया जाता है ओवर टाइम पर मैं नहीं जाता हूँ। आज भी रुकवाया जा रहा था संडे प्लानिंग के लिए, और जिनकी ओवर टाइम थी उनको रुकवाया जा रहा था, पर मैं रुकता नहीं हूँ। उनके पीछे रीजन है, तो धीरे धीरे मैं रिवील करता रहूँगा, बताता रहूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम आ चुके हैं कंपनी से जॉब करके, हमारी शिफ्ट रहती है सुबह 7 बजे से शाम को 3 बजे तक। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जो भी कुछ घटित हुआ, जिनसे भी मिला, जो मैंने लोगों से बयां करी बातें, जो मैंने सुना, जो आज मेरे दिन की चर्या थी, वो मैं आप लोगों के साथ बयां करूंगा और आप लोगों के बीच मैं बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, पहले चलते हैं, अपनी यूनिफॉर्म को चेंज कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अपनी यूनिफॉर्म को चेंज कर चुका हूँ। अब मैं आ चुका हूँ अपने रूम से बाहर, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जहाँ मैं रहता हूँ, इस बिल्डिंग के पीछे कंपनी ही कंपनी है, आप देख सकते हैं। हालांकि मैं इनके बारे में पूरी तरह से बताऊँगा कि कौन कौन सी इधर कंपनियाँ हैं, और किस तरह की जो है पार्ट्स बनते हैं, किस तरह की जो है कार की कलपुर्जे बनते हैं, वो सब मैं बताऊँ। अगर मैं दिनचर्या के बारे में बात करूँ, तो मैं सुबह 6 बजे ही करीब करीब उठा था, और उठने के बाद मेरा मन थोड़ा सा वो एक तरफ कह रहा था कि कंपनी जाऊं कि ना जाऊं, या 9 बजे जाऊं, फिर भी मैंने सोचा कि जाना तो पड़ेगा ही। तो मैं जल्दी से जो है बाथरूम गया, और बाथरूम से आने के बाद मुझे 6:43 हो चुके थे हमारे जो भी घड़ियां हैं उस पर, और जल्दी से मैं यूनिफॉर्म पहना। यूनिफॉर्म पहनते पहनते वो करीब करीब 6:55 हो चुके थे, और मुझे कंपनी पहुंचने के लिए बस 5 मिनट की ही ज़रूरत थी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो कंपनी में पहुंचने में जो समय लगता है, मेरे रूम से कंपनी तक की जो समय है, वो 10 मिनट करीब करीब लगता है। अगर नॉर्मल चाल से चलो तो 15 मिनट लगता है। तो मैं जल्दी से यूनिफॉर्म पहना, और यूं ही झटकते हुए कंपनी आधा रास्ता पहुंचा ही था कि मुझे जो है सोच रहा था कि कोई बाइक मिल जाए, लिफ्ट ले लूं, और ताकि जल्दी से एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच सकूं, ताकि हमें जो गार्ड है वो मुझे टोक ना सके कि लेट क्यों आया, क्योंकि मुझे ये सब सुनना पसंद नहीं होता है। तो इसलिए सोच ही रहा था कि थोड़ी देर में जो एक बाइक वाला मिल गए, और बाइक वाला थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक मोड़ पर उतार जाएगा, फिर वहाँ से मुझे पैदल चलना पड़ा। इसलिए हमारे 10 मिनट की समय में लगभग 2 मिनट की जो समय हुआ कम हुआ, और मैं 7:02 पर कंपनी पहुँच चुका था। दोस्तों, मैं बता दूँ, जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ से हमारी कंपनी लगभग 1.5 किलोमीटर होंगे, और अगर मैं समय की बात करूँ तो अपने रूम से और कंपनी में जो समय लगता है 10 मिनट की समय लगता है, अगर मैं झटक करके चलूँ तो, और अगर मैं नॉर्मल चार्ज से चलूँ तो 15 मिनट लगते हैं। तो दोस्तों, तो ये है हमारे रूम से लेकर के कंपनी तक की दूरियाँ और समय के बारे में आज मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, मैं और भी बताना चाहूँगा आगे। हेलो दोस्तों, आज मैं कुछ खास बातें जो अपनी डेली जो दिनचर्या है हमारी, उनके मुख्य मुख्य बातों को ही मैं आप लोग के बीच साझा करूँ, शेयर करूँ। तो दोस्तों, कंपनी में पहुँचने के बाद मैं अपने चैनल आज का राज को लेकर बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मैं कुछ दोस्तों को ही अपने चैनल के बारे में बताया था। जो पहला दोस्त है जिनको मैंने बताया, उसका नाम है आकर्ष गुप्ता, वो बीटेक का ही बंदा है, जो हमारे डिपार्टमेंट क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करता है, व्यक्ति है। जो दूसरा दोस्त है जिनको मैंने बताया, उसका नाम है श्रीकांत, वो भी बीटेक का ही स्टूडेंट है, वो भी क्वालिटी डिपार्टमेंट में हमारे साथ ही काम करते हैं। दोस्तों, अब मैं अब कैंटीन की बात करूं, तो
क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पर दोपहर की लंच दी जाती है, जो हम लोग कैंटीन में जाकर के करते हैं, वो 12 बजे करीब करीब हम लोग को प्रोवाइड करवाई जाती है कंपनी के द्वारा। हम हमारे एक दोस्त के बारे में बताना चाहूँगा, उसका नाम है वीरेंद्र। वो कैंटीन में खाते समय उन्होंने क्या गजब की बात कही। वो प्यार वाली ही बातें थी। वो कह रहे थे कि पहला प्यार को भुलाया ना जा सकता। फिर वो कहने लगे, कौन कहता कि पहला प्यार को भुला नहीं सकता या भुलाया नहीं जा सकता। अरे जब दूसरी वाली पहले वाले से अच्छी मिल जाए तो भुलाया जा सकता है। क्या गजब की बातें कही उन्होंने कैंटीन में खाते समय। उस समय मैं भी कैंटीन में ही था, मैं भी खाना खा रहा था। हालांकि मैं अपने बारे में कुछ बता दूं कि मैं खाते समय मैं बातें करना पसंद नहीं करता। और यहाँ देखता हूँ कि अक्सर बंदे आसपास में अगर बहुत ज़्यादा ही बातें करें खाते समय, तो मैं उठ करके दूसरे टेबल पर चला जाता हूँ। दोस्तों एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि जब मैं अपने चैनल आज के राज के बारे में बता रहा था तो तरह तरह के हमारे दोस्तों लोग ने कमेंट करने लगे कंपनी के ही अंदर। कुछ लोगों ने कहा, प्रभु आप महान हो। कुछ लोगों ने कहा, MLA राज हीरो MLA। अगर कहूँ तो एक चंद्रकांत नाम का एक वर्कर है हमारे ही डिपार्टमेंट में, जो क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो अक्सर जो है मुझे MLA कह करके जो है मतलब बुलाया करते हैं, पुकारा करते हैं, कहा करते हैं। तो अगर MLA की बात करूँ तो उनके डिक्शनरी में MLA का अर्थ होता है माइंडलेस एनिमल, कम बुद्धि का जानवर। तो दोस्तों हालांकि मैं उनके बातों को मन पर नहीं लेता हूँ, और भी तरह तरह के कमेंट करते रहते हैं। अगर समय मिला तो उनके साथ अपनी एक वीडियो अवश्य दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो दोस्तों और भी ऐसे दोस्त हैं जो तरह तरह के कमेंट करने लगे। कुछ कह रहे थे कि मैं जो है अच्छा राजीरो, मैं आपके साथ मिल करके जो है वीडियो बनाऊँगा। तो और भी ऐसे ऐसे हैं, और हमारे ही प्रोसेस में एक सर हैं नीरव सर, जो कि हमें कुछ न कुछ सिखाते बताते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हारे चैनल के बारे में स्टैंडर्ड रूम में दिखाता हूँ, बताता हूँ। तो ये रही आज के दोस्तों, जैसा कि अभी हम रूम के अंदर हैं, अब शाम हो चुकी है, सूरज ढल चुकी है और हम आ चुके हैं अपने रूम के अंदर। तो दोस्तों इस तरह से हाँ अपने दिनचर्या के कुछ कुछ खास बातें, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, उस पर ही प्रकाश डालेंगे और आपके बीच साझा करेंगे, शेयर करेंगे। तो दोस्तों आज के दिन के बारे में जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी मनसूबा है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझसे पूछें। मुझे समय मिला तो मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों ये रही हमारे आज की दिनचर्या हमारे चैनल आज के राज हीरो में। तो दोस्तों वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अभी हालांकि शुरुआत है। मैं चाहूँगा कि शुरुआती समय में 5 मिनट या 6 मिनट का ही वीडियो अपलोड करूँ। अगर अभी इस वक्त मैं 10 मिनट 15 मिनट या लॉन्ग टाइम का अगर मैं वीडियो अगर मैं अपलोड करूँ या क्रिएट करूँ तो शायद बोरिंग सी लगने लगेगी आप लोगों को, इसलिए मैं चाहूँगा कि फिलहाल शुरुआती समय में 5 मिनट का वीडियो हो। तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रगण जो भी हैं उनके पास शेयर करें, और हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, और साथ ही साथ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।